हेलो एवरीवन मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कि जो प्रोजेक्ट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर या सिंपली तो उसके कितने टाइप्स होते हैं तो इसको मेनली पांच बेसिस पे डिवाइड किया जाता है फर्स्ट आता है प्रोजेक्ट के स्कोप के बेसिस पे सेकेंड है इंडस्ट्री या सेक्टर के बेसिस पे थर्ड आता है पर्पस या ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, फोर्थ आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे और फिफ्थ आता है लाइफ साइकिल के बेसिस पे। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं तो हम देखेंगे प्रोजेक्ट को आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट क्या होता है प्रोजेक्ट एक बेसिकली टेम्प्रेरी बेसिस पे आप किसी गोल्स को अचीव करने के लिए टास्क को परफॉर्म करते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए ताकि जो भी आपका गोल है या ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव कर सकें तो प्रोजेक्ट के लिए आप प्रॉपर तरीके से उसको स्टार्ट करते हैं उसकी प्लानिंग करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं और फिर क्लोजर पर जाते हैं तो इस तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो जो हमने बेसिस देखे इनके अंदर भी सब टाइप्स होते हैं तो उनको हम डिटेल में देखते हैं फर्स्ट आता है बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट स्कोप जो प्रोजेक्ट का स्कोप होता है कि उसका कितना स्केल है या साइज है उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट को कैटेगराइज किया जाता है तो प्रोजेक्ट इसको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके पास कितने रिसोर्सेस है टाइमलाइंस है कितना कॉम्प्लेक्स है प्रोजेक्ट उसके बेसिस पे इसको क्लासीफाइड किया जाता है तो इसमें तीन टाइप्स आते हैं स्मॉल मीडियम और लार्ज जो स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट होते हैं ये टिपिकली इनका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है इसमें कुछ ही रिसोर्स इन्वॉल्व रहते हैं एडिशनली आपकी जो भी स्मॉल टीम होती है वो इसको मैनेज करती है ये अलाउ करता है कि कैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और आप स्मॉल स्केल के अकॉर्डिंग इन प्रोजेक्ट को एडजस्ट करते हैं तो ये जल्दी डिसीजन वाले बहुत छोटे प्रोजेक्ट होते हैं फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग ब्रोशर्स को बनाना है कुछ भी लोकल इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है या सिंपली मोबाइल ऐप को डेवलप करना है तो ये क्या हुआ स्मॉल स्केल के प्रोजेक्ट जो बहुत छोटे टाइम के लिए होते हैं और कोई इंडिविजुअल व्यक्ति जल्दी से डिसीजन लेके इस काम को कर सकता है सेकेंड आता है मीडियम स्केल प्रोजेक्ट ये स्मॉल स्केल से बड़े होते हैं पर लार्ज स्केल से छोटे होते हैं इसमें आपको थोड़े ज्यादा रिसोर्सेस टाइम कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी ये प्रोजेक्ट एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी वाले होते हैं आपको इसमें थोड़ी प्लानिंग कोऑर्डिनेशन करना है फॉर एग्जाम्पल कि आप नए सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करते हैं किसी डिपार्टमेंट के अंदर आप ऑर्गेनाइज करते हैं रीजनल कॉन्फ्रेंस को डेवलप करते हैं मीडियम साइज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तो ये क्या हुआ मीडियम स्केल प्रोजेक्ट नेक्स्ट आता है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट ये वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनका स्कोप बहुत बड़ा होता है जिसमें आपको यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है ज़्यादा रिसोर्सेज टाइम चाहिए वर्क का फ्लो होना चाहिए तो ये प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये मल्टीपल एस्पेक्ट पे इम्पेक्ट डालते हैं तो ये प्रोजेक्ट हाई कॉम्प्लेक्सिटी वाले होते हैं इसमें मल्टीपल इंटर रिलेटेड कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं और इसमें प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करना होता है फॉर एग्जाम्पल कि आपको बिल्डिंग अ टॉल अर्बन स्ट्रक्चर कि आपको लंबे शहर का स्ट्रक्चर बनाना है कि उसके अंदर बिल्डिंग्स कैसी बनेगी आप कुछ नया सॉफ्टवेयर सिस्टम लेके आ रहे हैं लार्ज एंटरप्राइजेस के अंदर बिजनेस के अंदर या फिर कुछ आप ग्लोबली इवेंट्स करवा रहे हैं ओलंपिक गेम्स करवा रहे हैं तो ये लार्ज स्केल सेक्टर्स में आते हैं नेक्स्ट आता है बेस्ट ऑन इंडस्ट्री और सेक्टर्स के बेसिस पे ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की आपकी इंडस्ट्री किस टाइप की या किस सेक्टर की तो उसके अकॉर्डिंग यूनिक चैलेंजेस आप फेस करते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है क्या स्पेशल नॉलेज आपको चाहिए तो इसके अंदर फोर कैटेगरीज आती है फर्स्ट आता आई टी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेकेंड है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट थर्ड है हेल्थ केयर प्रोजेक्ट और फोर्थ है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट तो जो फर्स्ट आता है आई टी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये रिलेटेड रहता है डेवलपमेंट से उसकी क्या मैथड्स होगी आप कैसे टेक्नोलॉजी में नए चेंजेस लेके आ रहे हैं मतलब टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी क्लाइंट की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उनको नया सॉफ्टवेयर बना के देना है ऐप डेवलप करना है मशीन्स की टेक्नोलॉजी में चेंजेस करने हैं ऐसा कुछ भी प्रोजेक्ट हो सकता है नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट डिफरेंट फेजेस के अकॉर्डिंग चलता है मतलब इसमें आपको प्लानिंग करना डिजाइन करना प्रिक्योरमेंट करना कंस्ट्रक्शन करना और फिर मेंटेनेंस करना फॉर एग्जाम्पल कि आपको स्कूल बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो ये क्या हो गया है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हुआ नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर प्रोजेक्ट ये स्ट्रिक्टली रिलेटेड रहता है कि इसके लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करना है और क्लाइंट की जो भी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग रिलेटेड रहता है ये पेशेंट की सेफ्टी प्राइवेसी या क्वालिटी स्टैंडर्ड से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के रहते हैं इसमें आपको ज़्यादा क्रिएटिविटी करने की ज़रूरत है कुछ इनोवेटिव डिमांड की स्ट्रेटजीज को देखना है कैंपियंस को कैप्चर करना है ताकि आप ऑडियंस का टेंशन ले सकें तो ये चार टाइप्स होते हैं software, और सेक्टर के बेसिस पे आई एंड सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन हेल्थ केयर और मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन पर्पस और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे बे, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको प्राइमरी प्रोजेक्ट की जो कैटेगरीज होती है वो ऑब्जेक्टिव या पर्पस किस लिए आप काम करें तो इसमें तीन कैटेगरीज आती है फर्स्ट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव होते हैं इस टाइप के प्रोजेक्ट में आपका फोकस होता है इनोवेशन पे आपको कुछ नया करना है नए आइडिया को एक्सप्लोर करना है कुछ नया प्रोडक्ट लेके आना है सर्विसेस लेके आनी है नए सॉल्यूशन को लेके आना उसके लिए आप रिसर्च करते हैं नेक्स्ट आता है इंप्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट इसमें आप एग्जीक्यूशन और अप्लीकेशन करते हैं मतलब आप इसमें जो भी सॉल्यूशन निकाला होगा अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ जाता है उन स्ट्रेटजीज को आप अप्लाई करते हैं ऑपरेशन इन्वाट के अंदर नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट इसमें आता है सस्टेनिंग ऑपरेशन इस टाइप के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप देखते हैं कि आप कैसे चीजों को मेंटेन करेंगे इनहेंस करेंगे कैसे सपोर्ट करेंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम को प्रोडक्ट और सर्विसेज के मतलब आप इन प्रोजेक्ट में मेंटेन करने के लिए या फिर किसी भी चीज के सपोर्ट के लिए इन प्रोजेक्ट को करते हैं नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये प्रोजेक्ट क्लासीफाइड होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कैसा है उनके फंक्शनिंग कैसी है उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस करता है कि आप मैनेज कैसे करेंगे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट को तो इसमें में तीन कैटेगरीस आती है फर्स्ट आता है फंक्शनल सेकंड है मैट्रिक्स और थर्ड आता है प्रोजेक्टेड फंक्शनल प्रोजेक्टेड हायरार्किकल स्ट्रक्चर को बताता है जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग हायरार्की होगी टॉप मिडिल लोअर टीम ऑर्गेनाइज होगी ट्रेडिशनल हायरार्की स्ट्रक्चर में रिपोर्ट करते हैं कि, कि किसने क्या काम किया है तो ये सारे काम फंक्शनल मैनेजर को बताए जाते हैं तो ये फंक्शनल जो प्रोजेक्ट होता है वो हेराटिकल स्ट्रक्चर में होता है नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स प्रोजेक्ट इसमें डुअल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है मैट्रिक्स प्रोजेक्ट के अंदर जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों को रिपोर्ट करते हैं कि वो दोनों के लिए काम कर रहे हैं जो भी उन्होंने काम किया है या जो भी चीजें वो कर रहे हैं लास्ट आता है प्रोजेक्टेड प्रोजेक्ट project, ये प्रोजेक्ट सेंट्रिक स्ट्रक्चर होता है प्रोजेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन या टीम डेडिकेटेड होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उसका क्या ड्यूरेशन होगा जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके पास पूरी अथॉरिटीज रहती है उसके पास पूरा कंट्रोल रहता है तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फंक्शनल में फंक्शनल मैनेजर पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा उनको रिपोर्ट करने मैट्रिक्स में दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसलिए इसको रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी बोला जाता है और प्रोजेक्टेड में प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है लास्ट आता है बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल जो भी प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल होता है उस अप्रोच के बेसिस पे कि आप कैसे चीजों को मैनेज कर रहे हैं दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है फर्स्ट आता है प्रेडिक्टिव और वाटरफॉल प्रोजेक्ट ये अलाउ करता है लीनियर या फिर सिक्वेंशियल प्रोग्रेशन को ये डिफरेंट फेजेस होती है इसमें लाइक कॉन्सेप्चुअल इनिशिएशन एनालिसिस डिजाइन कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेन उनके बेसिस पे काम होता है इसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी है रिक्वायरमेंट को देखना है क्या ऑब्जेक्टिव्स है और फिर आप इनिशियल रिक्वायरमेंट जब हो जाती है फिर आप नए चैलेंजेस पर जाते हैं नई स्टेज पे जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर तरीके से फिक्स्ड सीक्वेंस होती है कि एक काम हुआ फिर आप आगे बढ़े इस तरीके से चलता है नेक्स्ट आता है एडोप्टिव एजाइल प्रोजेक्ट इसमें इन्वॉल्व रहता है इंटरेक्टिव साइकिल आप इसमें काम को स्मॉल में डिवाइड कर लेते हैं फिर मैनेज करते हैं प्रमोट करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को और एडोप्टेबिलिटी को तो इसमें कंटिन्यूअसली इंस्पेक्शन और अडोप्शन की ज़रूरत है कि सारी चीज़ें जो भी हैं ज़रूरतों के अकॉर्डिंग चलती रहे कंटिन्यूसली आप इसमें फीडबैक लेते रहते हैं क्योंकि सब लोग छोटे छोटे पार्टीशन में इसमें काम कर रहे होते हैं तो ये होता है लाइफ साइकिल के बेसिस पे तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आप सिलेक्ट करेंगे कौन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैथड्स को आपको यूज़ करना है और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस कर सकते हैं वीडियो तो में आपने देखा कि क्या टाइप्स होते हैं प्रोजेक्ट के जिसमें हमने देखे पांच बेसिस पे फर्स्ट था बेस्ट ऑन प्रोजेक्ट स्कोप जिसमें तीन थे स्मॉल मीडियम और लार्ज नेक्स्ट है बेस्ट ऑन इंडस्ट्री या सेक्टर जिसमें बी थे चार जिसमें फर्स्ट हमने देखा आईटी एंड सॉफ्टवेयर सेकंड हमने देखा कंस्ट्रक्शन हेल्थ केयर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग नेक्स्ट आता है पर्पस और ऑब्जेक्टिव के बेसिस में जिसमें थे तीन फर्स्ट था रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन मेंटेन एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसमें की ये तीन फंक्शनल मैट्रिक्स और प्रोजेक्टेड और लास्ट आता है बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल जिसमें है प्रिडिक्टिव या वॉटरफॉल एजाइल वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू